सीरीज के को ओनर कृष्ण कुमार की बेटी टिशा कुमार ने कैंसर के चलते 18 जुलाई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते दिन 21 साल की टिशा की प्रेयर मीट रखी गई। टिशा कुमार की प्रेयर मीट में सोनू निगम भी पहुंचे। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम टिशा की प्रेयर मीट में उनके पिता कृष्ण कुमार के पांव में बैठकर रोए। सोनू निगम फफक फफक कर रोते नजर आए। यहां सिंगर दुख में आंसू बहा रहे थे और वहां सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को चैन नहीं था। सोनू निगम की इस वीडियो पर कोई लिख रहा था, इसे शायद टी सीरीज में गाने चाहिए। तो कोई लिख रहा था, ये तो रोएगा ही ना, इसके पास काम नहीं है। कोई लिख रहा था, टी सीरीज के मालिक के पैरों में पड़ा है। तो कोई लिख रहा था, अरे भाई इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। इसी तरीके के कमेंट्स के साथ लोग सोनू निगम को इस वीडियो पर ट्रॉल करने लगे। वेल, हमें तो समझ नहीं आता कि इतने असंवेदनशील लोग आते कहां से हैं। इन लोगों में जज्बात भावना बिल्कुल नहीं है, इनमें दयालुता रिश्तों की समझ बिल्कुल नहीं है। ऐसे तमाम लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि सोनू निगम कृष्ण कुमार के फैमिली फ्रेंड थे। कृष्ण कुमार जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया करते थे तब उनके गानों को सोनू निगम ही आवाज देते थे। कृष्ण कुमार का गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये सोनू निगम ने ही गाया था। कृष्ण कुमार का दूसरा गाना जो सोनू निगम ने गाया, ये धोखे प्यार के धोखे, दोनों ही गाने सुपर डुपर हिट। और एक नहीं दो नहीं बल्कि सोनू निगम कृष्ण कुमार की हर गाने में आवाज बने। इतना ही नहीं, कृष्ण कुमार और सोनू निगम ने साथ में कई सारी म्यूजिक एल्बम्स भी की हैं। सोनू निगम और कृष्ण कुमार के बीच प्रोफेशनल रिलेशन इतना गहरा था कि सोनू कृष्ण के परिवार के भी बेहद करीब थे। सोनू निगम टिशा को अपनी बेटी भी मानते थे। ऐसे में सोनू निगम का आंसू बहाना तो बनता है ना। रही बात इन ट्रॉलर्स की, तो इनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में थोड़े पॉजिटिव होना सीखिए, दूसरों को समझना सीखिए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।